कि लोग तो देवेंद्र फडणवीस को एज अ चेहरा देख रहे थे जब शिंदे और आपकी सरकार बनी, तो उस वक्त में देवेंद्र फडणवीस का चेहरा नहीं आया और सबने देखा कि अरे शिंदे जी मुंह ले रहे हैं। इसके पीछे राजनीति क्या थी? क्योंकि कहीं बहुत लोग कहते हैं कि भाई शिंदे को अगर नहीं आगे करते तो हमेशा ये डामाडोल वाली स्थिति रहती कि कहीं निकाल न ले अपना सपोर्ट। क्या देखिए, मैं आपको बहुत साफ शब्दों में कहता हूँ कि हम लोगों ने इसको पहले ही तय कर लिया था, मैं नहीं बनूंगा और शिंदे जी बनेंगे, ये पहले ही तय हुआ था। इसलिए आप देखिए, जिस समय शिंदे जी का नाम अनाउंस हुआ, आप मेरा चेहरा देखिए, आपको मेरे चेहरे से पता चलेगा, कोई शिकन नहीं थी। मेरा चेहरा मानो एक बड़ी विजय हुई है, इस प्रकार का मेरा चेहरा उस समय था। क्योंकि मैं उसको विजय मानता ही था, क्योंकि लोगों ने जो मैंडेट दिया था और जिसको चुराया गया था, उस मैंडेट को वापस लाने में हम यशस्वी हुए थे, तो मुझे उसकी खुशी थी। सवाल यह है कि चेहरा, ये बात सही है कि 2019 में मेरा प्रोजेक्ट हुआ, लेकिन जब परिस्थितियां बदलती है तो ऐसे समय उचित निर्णय लेने पड़ते। और हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि उद्धव ठाकरे जी जो प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि सारा मामला कुर्सी का है, हम नहीं चाहते थे कि हम कुर्सी के लिए सारी चीजें करें। हम उनको बताना चाहते थे कि नहीं, हम आम शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बना सकते, आपने आम शिवसैनिक के नाम से खुद को मुख्यमंत्री बनाया। आपने तो कहा था मुझे एक सामान्य शिवसैनिक मुख्यमंत्री चाहिए, आपने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आपको पहले दिन से खुद को कुर्सी चाहिए थी। लेकिन उद्धव ठाकरे के बहुत क्लोज नेता है संजय राउत, उनका तो ये कहना है कि फोन टैपिंग केस में देवेंद्र फडणवीस फंस रहे थे, इसीलिए उन्होंने इस तरीके से खेल खेला। संजय राउत बहुत छोटे नेता है, वो जब कोई बात करते हैं ना तो मेरा प्रवक्ता उसको जवाब देता है, मेरे लेवल का मतलब मेरे कद की बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं बता देता हूं, उन्होंने मेरे सिर के बाल से लेकर मेरे नाखून तक हर चीज की इंक्वायरी की। 2.5 साल वो इंक्वायरी करते रहे, उनको एक चीज भी मेरे खिलाफ नहीं मिली। उन्होंने एक सीपी को लाकर बैठाया ये बोलकर कि चाहे कुछ हो जाए देवेंद्र फडणवीस को अरेस्ट होनी चाहिए, वो नहीं कर पाए। और मैं एक दिन घर नहीं बैठा, चाहे वो कोविड हो, और मैंने उस सरकार को हिला कर रख दिया, उनके एक एक चीज को मैंने बाहर निकाला। जिस प्रकार से उन्होंने उद्योगपतियों के घर के सामने बॉम्ब रखे, मैंने उसका पूरा पर्दाफाश किया। जिस प्रकार से उन्होंने विरोधी पार्टी के नेताओं को फंसाने का प्रयास किया, मैंने उसके वीडियो प्रूफ दिए। तो ये क्या मुझे अंदर डालेंगे, इनकी क्या ताकत है? और इन्होंने पूरा प्रयास कर लिया, ये कुछ नहीं कर पाए।